अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं खलील रहमान, रॉयल होम रियल स्टेट एंड बिल्डर्स, बैरी टाउन, कराची से। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रेसेंट 11B की करंट डेवलपमेंट स्टेटस, मार्केट कंडीशन और यहां पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से गाइड करेंगे, तो गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स को पहले से ही पता होगा कि प्रेसेंट 11B में टू टाइप्स की कैटेगरीज की जो है वो प्रॉपर्टी मौजूद है। नंबर 1 152 स्क्वायर यार्ड्स के विलास और नंबर 2 125 स्क्वायर यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 152 स्क्वायर यार्ड के विलास से। 152 स्क्वायर यार्ड के इन विलास में 3 बेडरूम्स विद अटैच बाथरूम्स, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, टीवी लॉन्च, सर्वेंट क्वार्टर और कार पॉच मौजूद है। साथ ही साथ बैरिया टाउन ने इस प्रेजेंट 11B के अंदर पोजीशन अनाउंस कर दी है। 40 से 50% आवाम ने यहाँ पे पोजीशन ले भी ली है। अब बात करें विलास की यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से, तो यहाँ पे 80 to 70% विलास जो हैं वो रेडी फॉर पोजीशन है। इसके अलावा जो रिमेनिंग 20 से 30% विलास जो है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ग्रे स्ट्रक्चर पर है, उन पर बहुत तेज़ी से काम जारी है और 4 से 5 महीने के अंदर इंशाल्लाह उनका काम मुकम्मल होते ही उन विलास को भी पोजीशन मिल जाएगी। अब बात करें 125 गज के प्लॉट की, 125 स्क्वायर यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, तो बहुत लिमिटेड प्लॉट्स जो हैं वो 11B के अंदर जो है मौजूद हैं। सारे प्लॉट्स रेडी फॉर पोजेशन, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। करंटली प्रेसेंट 11B में 4 से 5 विलास की कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे स्टार्ट हो गई है और आने वाले 4 से 5 माह के अंदर आप खुद देखेंगे कि वहाँ पर एक अच्छी तादाद के अंदर प्लॉट्स के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो आपने या तो आखिरी मरले पर होगी या तो शुरू हो चुकी होगी। अब बात करें प्रेसेंट 11B की लोकेशन की, तो प्रेसेंट 11B बहुत ऑसम लोकेशन पर आता है। मेन गेट से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर जो है प्रेसेंट 11B लोकेट करता है। नियर टू बैरिया टाउन फायर स्टेशन, नियर टू बैरिया हाइट्स, नियर टू बैरिया गोल्ड सिटी। अब बैरिया गोल्ड सिटी एग्जैक्टली करीब तो नहीं आता, लेकिन एक व्यू आता है बैरिया गोल्ड सिटी का प्रेसेंट 11B से। इसके अलावा प्रेसेंट 11A के साथ ये जो है वो प्रेसेंट लगता है। प्रेसेंट 10 के विलास जो हैं वो इसके व्यूज़ में आते हैं। बहुत ऑसम लोकेशन पे जो है प्रेसेंट 11B जो है वो अपनी लोकेशन रखता है। अब बात करें प्राइस की, तो प्रेसेंट 11B की प्राइस बहुत रीज़नेबल हैं। अगर आप यहाँ पे एक रेडी टू मूव विला परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर 80 से 90 लाख के दरमियान करंट मार्केट के हिसाब से विला मिल जाता है। अब अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर विला ले परचेस करते हैं जिनका काम अभी जारी है, उनको वो विला आपको 70 से 75 लाख के दरमियान मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की बात करें तो 20 से 25 लाख रुपए के अंदर एक नॉर्मल लोकेशन का प्लॉट जो है वो आपको प्रेसेंट 11B में मिल जाता है। क्योंकि तो डिफरेंट कैटेगरीज के जो हैं आप प्रेसेंट 11B में प्लॉट हैं, जैसे कि बॉलीवुड भी है, पार्क फेसिंग प्लॉट भी हैं, मस्जिद फेसिंग प्लॉट भी हैं, कॉर्नर प्लॉट्स भी हैं, डिफरेंट कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। तो उसी हिसाब से इनकी प्राइस फिर जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसी हिसाब से इनकी प्राइस जो है वो अप डाउन होती रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो हमारी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रही होगी। अगर आप मज़ीद मालूमात हमसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें। हमारा ऑफिस एड्रेस भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप बैरी टाउन कराची विजिट करना चाहते हैं, 11B विजिट करना चाहते हैं, फिजिकली देखना चाहते हैं कि हम जो ये बात कर रहे हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है, तो हमारे ऑफिस विजिट करें या तो हमें कॉन्टैक्ट करें। हम आपको अपनी पर्सनल कन्वेंस पर पूरा प्रेसेंट 11B और उसके अलावा मज़ीद जो भी प्रेसेंट आप बोलेंगे, जो भी प्रेसेंट आप देखना चाह रहे हैं, जो बैरी टाउन के अंदर लोकेशन आप देखना चाह रहे हो, इंशाल्लाह हम आपको लोकेशन दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे जल्द बात होगी या मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।